उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रहें। कुक विद रूमी में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं बना रही हूँ एक बहुत ही डिलीशियस शरबत, जो डिलीशियस होने के साथ साथ बहुत हेल्दी भी है। चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने बेल ले लिया है, इसे इंग्लिश में वुड एप्पल भी कहते हैं। चलें अब मैं इसे तोड़ लेती हूँ। इसे तोड़ लिया है मैंने, अब इसके अंदर का सारा गूदा मैं निकाल लूंगी चम्मच से। चम्मच की मदद से सारे गूदे निकाल लूंगी मैं। देखिए सारा गूदा मैंने अच्छी तरह इसका निकाल दिया और बाउल में रख लिया है। अब मैं इसमें एक कप पानी डालूंगी। और हाथ से अच्छी तरह मैश करूंगी। पल्प को मैंने अच्छी तरह मैश कर लिया है। अब मैं इसे छान लेती हूँ। इस पल्प को मैं स्ट्रेनर में डाल दूंगी। और हाथ की मदद से इसके सारे पल्प को नीचे पे बाउल में निकाल लूंगी। आगे रमज़ान आ रहे हैं, इसमें भी आप इसे बना सकते हैं और इसका इस्तेमाल करें। ये बहुत ही ज़्यादा इसमें बेनिफिट्स हैं हमारे लिए। ये दिल के लिए, लीवर के लिए और जॉइंट्स पेन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त फ्रूट है। ओके, सारे पल्प को मैंने बाउल में निकाल लिया है। अब ये ऊपर में इसके रेशे और बीज वगैरह जो हैं वो रह गए, इसे मैं फेंक दूँगी। वन कप चीनी ली है मैंने, इसमें से डाल देती हूँ मैं। चीनी को अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसमें 1.5 से 2 ग्लास पानी डालूँगी। पानी थोड़ा कम डालूँगी इसलिए कि अभी मुझे आइस भी डालनी है इसमें, वरना ये फिर बहुत पतला हो जाएगा। बेल का शरबत सर्व करने के लिए तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।